वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। मेरा बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। क्या हुआ है? क्या हुआ पल? मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ आपके पास। हिंदी छोरा हिंदी हिंदी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है बर्थडे, और आज है पायल का बर्थडे। रात को 12 बजे है पायल का बर्थडे। तो मैंने पायल के लिए पहले ना एक 2 गिफ्ट पहले मंगवा लिए थे, तो वो ऑनलाइन बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, तो मैंने संभाल के अंदर रख दिया। चीकू अपनी पॉकेट मनी से पायल के लिए गिफ्ट लेकर आया, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर पायल के लिए केक लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा घर पे अगर केक बनाऊंगी ना, तो मेरे से पता नहीं केक अच्छे से बने ना बने, वो पूरा का पूरा जो मूड है खराब ना हो जाए। तो बस अभी जा रही हूँ मार्केट केक लेने के लिए। और पायल को कोई भी आइडिया नहीं है कि हम दोनों ने क्या क्या किया, मतलब मैंने और चीकू ने। चीकू ने भी गिफ्ट ले लिया, मैंने भी गिफ्ट ले लिया। पायल को ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे, क्योंकि आपको पता है घर में शादी का फंक्शन है, तो रोज कहीं ना कहीं जाना होता है। तो मैंने आज पायल को बोला, मैंने कहा हम ना भाभी को जो बैंगल सेरेमनी में चूड़ियां लेके ना ग्रीन कलर की प्लेन, क्योंकि हम बोनेश की शादी में गए थे ना, तो उसने ना बैंगल सेरेमनी में जो चूड़ियां पहनी थी ना, उसके आगे पीछे दोनों साइड कंगन थे। तो मैंने कहा काम करते हैं, हम लोग ना कंगन लेके आते हैं। तो पायल कहती ठीक है। तो पायल को आइडिया नहीं है, तो मैं चोरी चोरी केक भी ले लूंगी और घर पे आके ना कुछ पायल के लिए स्पेशल भी बनाऊंगी। आ जा, तू आनू भी रेडी हो गया है? आनू का सुबह वो ग्रीन कलर की चुड़ियों के भाभी के आगे पीछे कर लिए। मैं अभी देख के आई हूँ, काम होने वाला है, बिजली वाला अभी तक कार नहीं लेके आया। बच्चों का रूम सेट हो रहा है, वहाँ काम बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसको छोड़ फटाफट काम करके आएंगे, खाना पीना भी बनाना है। ठीक है, शांति के लिए बाय बाय। मेरा बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अयान के वेट को लेके। तो टच वुड, अयान का वेट मतलब 100 ग्राम अप ही हुआ है, डाउन नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये इतना ज्यादा भी किसलिए लग रहा था, क्योंकि इसने 2 दांत ऊपर के निकाले। मैं आपको दिखाती हूँ, दो चीजू दिखाओ, दो चीजू ऊपर वाले नहीं दिखाए। ये बाय करने के लिए बुलाया इसको मैंने। बाय बाय कर, बाय बाय, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। मेरा बच्चा बाय बाय किया पहली बार। हम आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, आपकी कोई खाई खाई के लिए लाएंगे कुछ लेकर आए आपके लिए, इनके लिए काम करेंगे। सुन मेरे को ना, क्या पेस्ट्री लाएंगे इनके लिए? नहीं, मैं इनके लिए कुछ अच्छा हेल्दी लेके आऊंगी। पेस्ट्री से लाएंगे, अच्छी लगेगी इनको। पेस्ट्री क्यों खाएंगे, ये मीठा बार का अच्छा लाएंगे कुछ। चल तो भाई, मैंने छतरी भी ले ली है, कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो छतरी होनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सारा काम चल रहा है, मैंने कौन दिया सफाई के लिए, यहाँ सफाई कर देंगे। तो गाइस, ठंड दोबारा से हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा पायल की हमारे फंक्शनों का क्या होगा यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हल्दी मेहंदी हमने सोचा था हम बाहर करेंगे, उसमें फुटबॉल ग्राउंड में, उसमें वहाँ पे कुछ लग नहीं रहा हो। इसकी शादी के टाइम सही था, कोई वो नहीं थी दिक्कत भैया, पर इस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा फंक्शन। हमने यहाँ सोच रहे की इस साइड या तो ग्राउंड में करेंगे, या तो पीछे की तरफ करेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ पायल? मैं आ रही हूँ भैया, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ आपके पास। क्या हुआ? राजा की डेथ हो गई है, उसको कैंसर था ना। हाँ, तो हम लोग फार्म पहुंच गए हैं, और फार्म पहुंच के रानी को ना सामने बांधा हुआ है, और समझ नहीं आ रहा कि ना राजा के साथ क्या हो गया, क्योंकि ना देखो कोई एज नहीं है। चलो एज होती है तो समझ आती है चीजें की, हाँ यार एज है, कोई एज नहीं है, 4 साल कुछ नहीं होते। बाकी भैया बताएंगे, भैया इसे पूरी क्या हुआ था? इसे 10 दिन पहले लेके गए थे, वैसे क्या हुआ इसको थोड़ी सी ना सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो पहले हम चेक करा लेते हैं इसका। ब्लड टेस्ट करवाया हमने इसका, वो भी नॉर्मल आया। फिर हमने सोचा भाई कि क्या पता डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका लीवर किडनी का टेस्ट करवाया, तो वो भी नॉर्मल आया। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर हमने एक्सरे करवाया, तो जब एक्सरे करवाया तो उसमें कुछ अनवांटेड ग्रोथ दिखी हमें, उसके लिए हमने एक बार अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया। उससे पता चला इसको चेस्ट कैंसर है, चेस्ट में इसके ट्यूमर हो गया है, काफी बड़ा साइज था उसका, 200 ग्राम साइज बताया था। तो उसके बाद इसको सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो 5 दिन ट्रीटमेंट चला था इसका, तो अभी ये नहीं बच पाया इसकी डेथ। और कुछ टाइम पहले ना रानी के भी मिसकैरेज हुए थे, अबॉर्शन हुआ था, 4 बेबीज थे उसके, और वो चारों नहीं बचे। और फिर डॉक्टर ने बताया कि ना ये भी जो मिसकैरेज अबॉर्शन हुआ है ना, क्योंकि राजा के साथ की वजह से हुआ है, क्योंकि राजा को ट्यूमर था और उसकी वजह से ना बेबीज बच नहीं पा रहे थे। तो जस्ट अभी ना राजा के लिए कपड़ा मंगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े है ना वो सब ऑलरेडी जितने भी हमारे यहाँ पे जानवर आते हैं बीमार उनको दिए जाते हैं, तो भी एक फ्रेश कपड़ा मंगाया लेके जाते हैं राजा को। बाहर ऑलरेडी गद्दा खोद दिया उसको दफनाने के लिए। भाई मुझे ना रानी के लिए सच में बड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि रानी कैसे रहेगी, क्योंकि बचपन से ना दोनों साथ रहे हैं, हम इन्हें लेकर आए थे छोटे से थे, उससे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन रानी और राजा साथ ना रह रहे हो, हमेशा साथ रहते थे। अभी रानी को पता नहीं है, उसको सही बांधा हुआ ताकि रानी को पता ना चले, बट ना वो अंदर से ना ऐसा हो रहा है कि उसको पता है, क्योंकि डॉग्स को पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। रानी को पीछे बांध दिया है ताकि उसे पता ना चले, और सोमवीर भैया बोल रहे हैं कि आज वो रानी को अपने साथ ही सुलाएंगे ऑफिस के अंदर। पानी, पानी, पानी। हाँ हाँ, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ बहुत ही ज्यादा। भैया किस साइड आपने गड्ढा खोदा है? अंदर।
पहले इसको करें, नमक तो ऊपर से डालना पड़ेगा ना, और पहले इसको ऐसे ही डालना पड़ेगा, हाँ ऐसे डालना पड़ेगा ना। आपने देखा नहीं, परेशान इतना ज्यादा हो रहा था कि सारे यही प्रे कर रहे थे कि भैया कुछ चीजें हाथ में नहीं होती ना, हम तो ये देखो उम्र तो कुछ भी नहीं है, 4 साल हमारे पास। मैंने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि मेरे बुजुर्ग थे बिल्कुल, वो रिटायर हो चुके थे अपनी पोस्ट से, तो उन्होंने बोला बहुत सालों बाद मैंने ऐसा केस देखा है, कम से कम 10 सालों बाद मैंने ऐसा केस देखा कि चेस्ट में कैंसर। उन्होंने अपनी जितनी डॉक्टर्स की टीम थी ना पूरी बुलाई, जो स्टूडेंट भी थे उनके पास, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ जो ट्रेनिंग पे थे उनको दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे ये केस है, यहाँ ऐसे भी ट्यूमर हो सकता है। रीजन क्या होता है इसको? जैसे लेडीज को होता ना ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसको जेंट्स होके इसको कैंसर क्या होता है, ये अनवांटेड ग्रोथ होती है, कहीं भी हो सकती है, पूरी बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है। मेरे को जैसे रसौली थी, मैंने ऑपरेट कराई, दोबारा हो गया वो है जी। कैंसर होके हम कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार वगैरह हैं वो अपना ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करा लेते हैं, वो 4-5 साल के तक रुक जाती है, उसके बाद फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसकी ग्रोथ को कभी रोक नहीं सकते। जैसे मुझे रसौली थी, मैंने ऑपरेट कराई, मुझे फिर से वो दिक्कत था, मुझे उसे दोबारा कराना। मेरे घर में भैया मम्मी के घर में कोको है, मैं पूछी तो ठीक है, मतलब कि दो डॉग्स है हमारे पास ना, एक पूछी कोको जो छोटी वाली है ना, उसको स्किन कैंसर है, उसके ना स्किन पे इतने मोटे मोटे ना ऐसे मतलब पैचेस टाइप की हो जाती है, ऐसे पैचेस और फिर वहां से ना उसके बाल भी निकल रहे हैं, तो उसको स्किन कैंसर है, उसको चीना ने ट्रीटमेंट गुड़गांव में बहुत बड़ा डॉक्टर है वहां पे करवाया था। सबको अंदर पता लग गया, सब रो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, सबको पता चल जाता है। मतलब हम इतना छुपाते लेके आए हैं रानी से, बस जितने भी डॉग्स हैं सब आवाजें आ रही पूरी, सब रो रहे हैं अंदर, इवन बर्ड्स भी रो रहे हैं, क्योंकि सब साथ में रहते थे ना, राजा सबसे ज्यादा शोर मचाता था, सबसे ज्यादा एक्टिव था राजा सबसे ज्यादा। तो कुछ लोग ना इसमें कमेंट करेंगे कि आप इस टाइम पे भी व्लॉग बना रहे हो, उस टाइम पे आपको व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, पर देखो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर व्लॉग के अंदर आगे जाके आपको राजा नहीं दिखेगा ना, तो फिर आप लोग ही कमेंट करोगे कि राजा गायब हो गया, आप कभी इसको गायब करते हो कभी इसको गायब करते हो, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ बताई कि राजा को ट्यूमर था और वो इस दुनिया में नहीं रहा।